नंबर क्या क्या होगा आपके? हाँ हो रहा है, नेट कनेक्शन अनस्टेबल है। Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Find the probability of getting 5 success. Crossing 10 points simultaneously. Crossing 10 points simultaneously. Getting 5 success. Getting 5 success in 10 kind of experiment. सच्ची बता रहे मैम, आपका आवाज पूरा कोलैप्स कर रहा है। आज का मैम क्लास रहने दीजिए। हाँ मैम, आज क्लास नहीं होगा। यस मैम, योर आवाज इज नॉट कमिंग क्लियर। सही बोला, आपका कनेक्शन थोड़ा इंटरप्ट है, बहुत खतरनाक इंटरप्ट है। रोबोटिक आवाज आ रहा है मैम आपको। पीछे वाला क्लियर आ रहा है, वो सर जो बोल रहे हैं। बस आप ही का नहीं आ रहा मैम, हेडफोन आ रही है तुम लोगों को। आपका आवाज आता आते दब जाता है मैम। नीतीश सर को अच्छा रहा। चलो क्वेश्चन पूछने। आवाज आ रही है तो मैम? अभी भी फंस रहा है मैम, अभी भी आवाज नहीं आ रहा है मैम। फंस रहा है मैम, आवाज फंस रहा है मैम, रोबोटिक आवाज आ रहा है आपका। यस मैम, फंस रहा है मैम, झूठ बोल रहा है सब। आवाज आ रही है, ठीक है मैम, नहीं आ रहा है। प्रॉब्लम है मैम, ऊपर आई है जो झूठ नहीं बोल रहा। चलो ठीक है स्वप्निल, कैमरा ऑन करो, मुझे तुम्हारी आवाज बहुत अच्छे से सुनाई दे रही है, और बाकी जो लोग भी बोल रहे थे मुझे सबकी आवाज सुनाई दे रही थी। चलो लिखिए तो जरा क्वेश्चन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 सक्सेस इन 10 कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सो n इज इक्वल टू सक्सेस टॉस। क्वेश्चन लिखो, n इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 5, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके बताओ। चलो लैंग्वेज आपको सुनाई नहीं दे रहा, स्क्रीन विजिबल है? यस मैम, करके बताइए। हाँ तो सॉल्व करके बताइए। ओके मैम, उतना जो
चलिए बताइए जल्दी सर। चलो करके आओ जल्दी से, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। मैम 63/8 exactly 5 है। मैम 63/256 3/28 आया है रिया। नो मैम 63/2^8 मैम 2^8 सर हो रहा धीरे। यस मैम वही आए। वही आ रहा है। चल प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5 लिखोगे तो करोगे आपके पास LC 5 हो जाएगा। 10 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल यही टर्म है ना, और आपके पास 1/2^10 यही वैल्यू को सिंपलीफाई करना है। जब इस वैल्यू को सिंपलीफाई करिएगा तो आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है सबका आया, तुम्हारा आया है स्वप्निल, तुम्हारा आंसर क्या आया है? नहीं आया स्वप्निल, आंसर क्या आया तुम्हारा? क्या बताऊं मैम 62 के आसपास आया। 62 प्रोबेबिलिटी कैसे आएगा स्वप्निल? वही तो मैम नहीं समझ में आ रहा क्या कि हमको दिमाग नहीं था। रोल नंबर 57 क्या आया है तुम्हारा आंसर? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ
हाँ बोलो। शायद रूपम वेटिंग रूम में है। ओके रिकॉर्डिंग इन चलो चलो लिखो तो जरा एक क्वेश्चन। ऑफ टू सक्सेस। देखो आप लोगों को मैंने एक क्वेश्चन शेयर किया है, उसमें से देखिए क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू है। अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन फोर टाइम्स, ठीक है। इफ गेटिंग अ डबलेट इज कंसिडर्ड एज अ सक्सेस देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू सक्सेस, ठीक है। सॉल्व करिए तो जरा। A pair of dice thrown four times, ठीक है। If getting a doublet is considered as a success, find the probability of getting success. डाल के देखो तो जरा क्वेश्चन नंबर टू। जो क्वेश्चन मैंने शेयर किया है उसमें देखिए जरा तो। क्वेश्चन नंबर टू जो पीडीएफ गिवन है उसमें क्वेश्चन नंबर देखो दिया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू सक्सेस किया जा रहा है फोर टाइम्स, मतलब दो डाइस को आप चार टाइम कर रहे हो थ्रो एंड टू सक्सेस अगर आता है तो फिर उसको आप कंसिडर कर रहे हैं एज अ सक्सेस। दोनों पे हेड आ जाता है या फिर दोनों पे टेल आए, जो भी आए। डबलेट मीन्स सक्सेस हो सकता है, आइदर वो टेल हो या फिर हेड हो। मैम 25 मैम 25 बाय 216 यस मैम 25 बाय 216 कैसे आएगा दिया मैम। पहले तो जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होगी वो 6 बाय 36 तो 1 बाय 6 यस मैम। एक मिनट हां सो अपनेल बताएगा, बताओ क्या होगा मैम 25 बाय 216 मैम। प्रोबेबिलिटी पहले निकाले मैम तो 1 by 36 आया। मैम बस इतना मेहनत किया है कि गूगल पे सर्च किया है। नो मैम
मैम बोलो बोलो संजना क्या हुआ? मैम आ गया है आंसर। क्या आया है बताओ? मैम 25/216। सबका आंसर यही है 25/216, बट कैसे आया ये कोई बता ही नहीं रहा है। मैम फोटो भेज दे आपको। हाँ भेजिए ना, एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। भेजो ना सब। मैम बोले ना गूगल से लिखा है ये। अच्छा और तुम क्या कर रहे हो? मैम क्वेश्चन पूछे ना उससे। मैम सबसे पहले तो उसका जो वो डाइस थ्रो किया है वो पेयर मतलब डबल में मैम हो रहा है उसका, तो 6/36 पे प्रोबेबिलिटी निकाले हैं। डबल 1/36 होगा मैम प्रोबेबिलिटी। 1/36 तो 1/6 हो जाएगा। 1/36 कैसे होगा स्वप्निल? यस मैम 1/6 होगा, कटेगा। क्या बोलते हो, क्या बता ही नहीं है। यही होता है ना, गूगल से कॉपी करो। नहीं मैम गूगल मैम कैसे बता देगा आंसर? गूगल भी बताता है। नहीं बता देगा तो फिर आप क्या कर रहे हैं, वही तो हम जानना चाह रहे हैं। चलो ठीक है संजना, फिर नेक्स्ट स्टेप। फिर मैम वो बाइनोमियल का वो ये फॉर्मूला बैठा है, उसके बाद मैम एनसीएक्स पे अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस इज 1/6 जो कि 1/2 होता था पहले हमारे पास, यही है ना चेंज? यस मैम। रिया इज इट करेक्ट? यस मैम, पहले मतलब सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/6 आ गई तो फेलियर का हो गया 5/6। तो पहले तो दो कॉइन एक ही कॉइन टॉस करते थे तो 1/2 ही आता था सक्सेस और फेलियर में। नहीं कॉइन टॉसिंग में 1/2 हो जाएगा हाँ, लेकिन अब अगर डबल हो जाएगा तो फिर चेंज हो जाएगा। अगर इसी में क्वेश्चन अगर डाइस थ्रोइंग का एक्सपेरिमेंट होता तो फिर क्या आंसर आता? सपोज डाइस थ्रोइंग की बात कर रहे हैं एंड सपोज द आउटकम 6 इज कंसीडर्ड एज द सक्सेस, देन क्या होगा? मैम एक ही डाइस ना? हाँ एक ही डाइस है, डाइस थ्रो कर रहे हो, एक डाइस थ्रो कर रहे हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 इज सॉरी आउटकम 6 है दैट इज कंसीडर्ड एज सक्सेस, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 10 टाइम टॉसिंग कर लो, 10 टाइम में 8 टाइम सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बताओ बताइए। मैम 10/6 to the power 10। 10/6 to the power 10। यस मैम। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 है ना सक्सेस, x is equal to 8 कंसीडर किया जाएगा। मैम 8 है कि 1 है? रिजल्ट आएगा 1/8 out of 10। अच्छा सॉरी मैम मैंने 1 का सक्सेस माना था। And probability of success is 1/2, so 1/2 to the power 8 हो जाएगा, and 5/6, not 1/2, 1/6. The probability of getting 1/6 to the power 8 ये हो जाएगा, and 5/6 is the probability of failure, जिसका power हो जाएगा 2. कैमरा ऑन करो सब लोग, स्मृति संजना मैम ऑन है।
5/6 to the power 2. इसी को सिंप्लीफाई करना है. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 सक्सेस. मैम 1125/6 टू द पावर 10. सिक्स का पावर 10 हो सकता है. चलो बस मैम ले लिया हम. ठीक है, 1/6 टू द पावर 10 को सिंप्लीफाई कर तो बहुत लार्जर नंबर आ जाएगा ये. चलो ठीक. मैम फैजान बहुत देर से वेटिंग रूम में, मैम उसका कैमरा ऑन नहीं हो रहा. एक मिनट. नो वन इज इन वेटिंग. कोई भी वेटिंग में नहीं है मैम. हमारे कैमरा ऑन नहीं हो रहा. ठीक है कोई बात नहीं. चलो लिखो तो जरा. A bag consists of 10 balls. A bag consists of 10 balls. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6 है. A bag consists of 10 balls, each marked with one of the digit 0 to 9. 10 बॉल है, 0 से लेकर 9 तक का नंबर उसमें अरेंज किया हुआ है. नंबरिंग हर बॉल का नंबर दिया हुआ है 0, 1, 2, 3, 4, up to 9. If 4 balls are drawn successively with replacement, 4 balls are drawn successively with replacement from the bag, then what is the probability of none is marked with 0? देखो क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा. एक दिया गया है विथ रिप्लेसमेंट, तो जहाँ विथ रिप्लेसमेंट की बात कर रहा है ना, तो आपको क्या करना है, 4 बॉल ड्रॉ करना है 4 सक्सेसिव टाइम में. मतलब फर्स्ट बॉल ड्रॉ करोगे, सेकंड करोगे, थर्ड करोगे और फोर्थ करोगे. इसमें एक वर्ड यूज किया है विथ रिप्लेसमेंट, मतलब हुआ आप फर्स्ट बॉल ड्रॉ करेंगे, कुछ भी बैग जो नंबर आएगा करेंगे और वापस से उस बॉल को बैग में डाल देंगे. विथ रिप्लेसमेंट का मतलब ये है, अपने बैग में से बॉल निकाला, नंबर नोट किया, 0 to 9 में पर होगा, कुछ भी पर्टिकुलर नंबर हो सकता है, 0 नहीं होगा. तो मान लो 1 से लेके 9 तक कुछ नंबर आता है, इस बैग में से बॉल निकाला उसको वापस से डाल देंगे. वापस से डाल रहे हैं, उसके बाद सेकेंड बॉल ड्रॉ कर रहे हैं, फिर थर्ड बॉल ड्रॉ कर रहे हैं. तो सेकेंड बॉल ड्रॉ करने के बाद वापस से उस बॉल को फिर से बैग में डाल देते, फिर थर्ड बॉल ड्रॉ कर, तो बॉल का रिजल्ट आउटकम यहाँ पे करोगे क्या नंबर आया था, फिर से वापस से डाल दोगे बैग में, देन अगेन फोर्थ बॉल ड्रॉ करके. यही मतलब है बेस्ट रिप्लेसमेंट का. मतलब एक बॉल ड्रॉ किया वापस से डाल दिया, फिर सेकेंड बॉल ड्रॉ किया वापस से डाल दिया, इस तरह से आएगा. तो अगर विथ रिप्लेसमेंट रिजल्ट आता है तो उसका सॉल्यूशन वैसे ही होता है जैसे आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में करते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस चेंज नहीं करते. मान लो 0 से 9 तक का कोई भी नंबर है और नन ऑफ देम इज 0, जिसपे 0 मार्क किसी पे नहीं किया हुआ है, तो 0 मार्क नहीं किया हुआ है वैसे प्रोबेबिलिटी बॉल के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 9/10 होगी या नहीं, ये बताओ रिया. यस मैम. 10 बॉल्स का सिलेक्शन होगा क्योंकि आपके पास टोटल 0 से लेके 9 तक का अरेंजमेंट है, तो टोटल 10 बॉल्स है. 0 को एक्सक्लूड कर दो, इसमें से रिमूव करो, सो 1 से लेके 9 तक का, तो टोटल 9 बॉल्स है, उसको एज अ सक्सेस कंसीडर कर रहे हैं. सो 9/10 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, 1/10 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर. और ये 9/10 जो है, 9/10 प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, वो फर्स्ट ट्रायल में भी 9/10 ही थी, सेकंड में भी 9/10 होगी, बिकॉज आपने जो बॉल ड्रॉ किया है वो वापस से बैग में डाल दिया, तो 9/10 ही प्रोबेबिलिटी रहेगी. अगर वापस नहीं डालते
तो फिर आपके पास टोटल बॉल जो प्रेजेंट होता है वो कितना हो जाता है, 9 हो जाता है. अभी कितना है, तो यहाँ पे उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर हर बार चेंज करेगा. लेकिन अगर आप वापस से उसमें डाल दे रहे हो तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है फर्स्ट ट्रायल में भी वही थी, सेकेंड ट्रायल में भी वही होगी, थर्ड ट्रायल बाई 10 होगी, फोर्थ ट्रायल में भी 9/10 होगी, क्योंकि आपस से रिटर्न कर दिया है उस बॉल को उसी बैग में. ठीक है, सो ये वो कंडीशन को थोड़ा ज्यादा स्पेसिफिक वे में डिस्क्राइब करता है जो हमने पढ़ा था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अजम्पशन में, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज कांस्टेंट फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल. सो दिस प्रोबेबिलिटी इज कांस्टेंट इन ईच एंड एवरी स्टेप, ईच एंड एवरी ट्रायल. ठीक है, सो इस चीज को आप बोल सकते हो यहाँ पे. अब इसके बेसिस पे वही सॉल्यूशन निकलना है आपको. 1 से लेके 9 तक का टर्म आ रहा है, 0 को एक्सक्लूड कर रहे हो. या तो 1 में से वो पूरी प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो, या फिर ये कर सकते हो सारे टर्म को आप ऐड करो. 1 बॉल आने की, 1 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, देन 2 आने की प्रोबेबिलिटी, देन 3 आने की प्रोबेबिलिटी, सारे को सम कर दो या माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 को एक्सक्लूड कर दो. दोनों तरीका है, जिससे भी करना चाहो कर सकते हो, आंसर सेम आएगा. करके देखो जरा क्या आता है मैम, या फिर अगर क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बताओ मैम. हाँ बोलो रिया. मैम जैसे कि आपने बोला कि सबके इवेंट, मतलब अगर ये 9/10 इसलिए है ना कि सबके जो इवेंट्स है उसके सारे के प्रोबेबिलिटी सेम आएंगे. अगर अगर क्वेश्चन बोला होता कि विदाउट रिप्लेसमेंट होता तो 9/10, 8/9 फिर तो चेंज होता, तो उस केस में भी हम निकाल सकते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. तो मैम उस केस में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई नहीं कर सकते, प्रोबेबिलिटी निकाल सकते बट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन उसमें फिर स्पेसिफिक चेंज करके तो फिर हमारा रिजल्ट आता है अकॉर्डिंगली. ठीक है, इस केस में वैलिड नहीं, इस केस में वैलिड है नहीं. तो इसलिए यहाँ पे जो ये रिप्लेसमेंट वर्ड इस्तेमाल कर दिया है वो उसी चीज को थोड़ा स्पेसिफिक वे में स्किप कर रहा है. जरूरी नहीं है हमेशा लिखा ही रहे, ऐसा नहीं लिखा रहे तभी बाइनोमियल में कर सकते हैं, ऐसे नहीं होगा. ठीक है, ये चीज रखो, जब भी assumption है उस भी probability का कोई भी theorem, कोई भी rule, कोई भी law apply करोगे तो उसके assumptions को हमेशा देख लेना, वो satisfy नहीं, अगर वो नहीं कर रहा है तो valid ही नहीं होगा हमारा answer. ठीक है, आवाज आ रही है मेरी ना? यस मैम. ओके, मैम. हाँ बोलो मैम. इसका आंसर 9^4/10 आ रहा है. संजना आवाज नहीं आती. रिया बोलो. बना नहीं
हाँ संजना बोलो क्या बोल रही थी मैम. बोल रहे थे इसका आंसर 9 to the power 4/10 आ रहा है. 9 to the power फ्रैक्शनल पावर आ रहा है 9 का. यस फ्रैक्शनल पावर नहीं आना चाहिए मैम. प्रोबेबिलिटी में आ सकता है वैल्यूज निकाल सकते हैं बट 9 to the power फ्रैक्शनल पावर को सिंपलीफाई कर लो. कैसे सिंपलीफाई कियो क्या होगा बताओ जरा. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो 1 0 none of them is zero. Zero नहीं होना चाहिए यही है ना. किसी भी आउटकम में जीरो नहीं होना चाहिए मैम. सपोज हाँ बोलो मैम. ये प्रोबेबिलिटी ऑफ मतलब आपने बोला कि 1 minus probability ऑफ जीरो कर देना तो मैम प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो निकालने के लिए सक्सेस को 1/10 मानेंगे कि 9/10. मैं 9/10 मानेंगे. क्यों मैम? सक्सेस इज 9/10 ना. तो मतलब जीरो के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचे तभी भी. हाँ जीरो को एक्सक्लूड कर रही हो ना वहां पे. ओके मैम. इतना ज्यादा डिस्टरबेंस क्यों हो रहा है? फाइनल आंसर 9/10 आएगा. 9/10 यस मैम. 9/10 कैसे होगा? 9/10 तो एक्चुअल प्रोबेबिलिटी ऐसे सिंपल आ रहा है. अगर वही चीज थोड़ी आ जाएगा थोड़ा चेंज तो होगा. 9/10 होल पावर 4 हो जाएगा. 9/10 टू द होल पावर 4 टू द पावर 4. अभी 4/5 से ने कहा फ्रैक्शनल पावर कैसे आ रहा है मुझे ये नहीं समझ में. मैम वही आ रहा है देख लिए. फ्रैक्शनल पावर होता है सिंपलीफाई कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे तो फ्रैक्शनल पावर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है. चांस ही नहीं है क्योंकि पावर तो हमें होल नंबर में मिल रहा है ना. जो भी न्यूमरेटर में मिल रहा है 9/5 या फिर जो भी टर्म मिल रहा है वो पावर तो होल नंबर मिल रहा है. पावर कैसे आ रहा है? No ma'am, fractional power नहीं है, whole 9/10 to the whole power 4. संजना का भी fractional power बोल रही थी. 9/10 to the power 4. Fractional power. करते हो तो. बाकी questions तुम लोगों ने बनाया है section का? Ma'am कुछ कुछ बनाया है. कुछ कुछ बन रहा है. कल आप लोगों का मार्क क्यों है? तो 17 याद रखना इस बात को. मैम आवाज नहीं आ रहा आपका. मैम बेस थ्योरम का पता है. जब हम इम्पोर्टेंट चीज बोलते हैं ना तुमको आवाज नहीं आती है. बेस थ्योरम रखा प्रोबेबिलिटी का शुरुआत का सेक्शन बेस थ्योरम. प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेस थ्योरम. एंड ये भी कर लो थोड़ा बहुत बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ सेक्शन इनिशियल लेवल का. मैम ज्यादा हो जाएगा प्रोबेबिलिटी है सारा. बहुत ज्यादा कुछ नहीं है. कब ले रही हो टेस्ट? कल. ठीक है मैम कल क्लास नहीं करेंगे. एज यू विश. नहीं मैम कल जाना भी है मैम एक्चुअली. तुमको जहां जाना है जो करना है करो. मुझे टेस्ट लेना है कल. प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इनिशियल बेसिक थ्योरम पढ़ लेना. प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन सारा याद होना चाहिए. इंडिपेंडेंट इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एग्जॉस्टिव इवेंट्स और भी बहुत कुछ है. डेफिनेशन मैम क्यों पूछते हैं? मैम कुछ और पूछ लिया कीजिए. मैम थ्योरी पूछे क्या पूछे? तुम्हारा बायोग्राफी पूछे? अभी तक बना नहीं है. नहीं अगर कुछ इंस्पायरिंग स्टोरी है तो फिर वही पूछ लेंगे. मैम गूगल सीट पे मार्क्यू ले लीजिएगा.
यस मैम वो अच्छा रहेगा इंटरव्यू मेथड इज द बेस्ट आपके लिए ठीक है उसी तरीके से होगा सो पूरा प्रोबेबिलिटी का इनिशियल बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लेना डेफिनेशंस पढ़ लेना जितने थ्योरम्स एडिशन थ्योरम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम वो कर लेना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कर लेना बेस थ्योरम कर लेना एंड इनिशियल टर्म जो कहा है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो बेसिक प्रॉब्लम है जो हम लोग आज कर रहे थे आज डे कर रहे थे वो सारे टर्म्स सब कुछ मिला के प्रोबेबिलिटी बन रहा है सो ये प्रोबेबिलिटी वेरियस आपको पढ़ना है तो ये इतना याद रखिए ठीक है सो इतना टर्म पढ़ना अच्छे से कल है तो कल ही है टालने वाले नहीं है हम तो अच्छे से प्रिपेयर रहना प्रोबेबिलिटी का जो क्वेश्चन शेयर किया वो भी कर लो जो आपका रिलेशन मैंने बनाया था शुरुआत में एक पीरियड से बताया था ना क्वेश्चन देने के लिए तो सेट के बेसिस पे था रिलेशन जो मैंने बताया भी था तो वो भी एक बार देख लीजिएगा जो मैंने बता दिया है जो नहीं समझ में आ रहा है उस क्वेश्चन का क्वेश्चन छोड़ देना क्योंकि वो उतना ज्यादा आपको पढ़ना भी नहीं है तो इनिशियल जो सेट थ्री पे बेस्ड रिलेशन था वो रिलेशन देख लीजिएगा बाकी सब कर लेना बाकी ऑलरेडी हम बता चुके तो उतना करके रखना कल होगा मैं कुछ आने वाले हम नहीं है मैम गूगल सीट पे ले लीजिएगा गूगल सीट नहीं कहा ना मैंने इंटरव्यू मेथड ठीक है क्लियर है कोई डाउट नहीं है अब ओके मैम ओके बंद कर दिए क्या करें आवाज जा रहा है